Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you are having a great day. Make sure to subscribe and be the part of this beautiful family. Actually, पता है क्या हो रहा है? इतनी भयानक बारिश हो रही है, मैं भीग रहा हूँ. अभी ना एक्चुअली हुआ ये है कि हमारे छत पे जो आंगन है, आंगन का बॉर्डर लगभग छत से इतना ऊंचा है, ठीक है? तो मतलब छत अगर यहाँ पे है तो बॉर्डर यहाँ पर है इतने ऊपर से आंगन का. वो इतने बॉर्डर पे पूरा ऊपर तक पानी भर गया है और बॉर्डर के ऊपर से पानी निकल के आंगन नीचे गिर रहा है जाके. मतलब इतनी भयानक बारिश हो रही है, इतना बुलंद तरीके से बारिश हो रही है कि और छत का पानी निकल नहीं पा रहा है. छत कच्ची है तो मिट्टी की छत है, तो जहाँ से हम लोगों ने ठीक भी उसको किया हुआ था इस साल अभी जून के आसपास पूरी छत को ठीक किया, रिपेयर मतलब क्या रिपेयर जो भी हो वो भी हम लोगों ने किया था, कंस्ट्रक्शन बोला जाता है कंस्ट्रक्शन किया था. बट फिर भी अभी भी कुछ भी शांत नहीं हो रहा. मुझे मतलब ऐसा मैं उम्मीद नहीं किया हुआ था कि ऐसे में मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा. मैं सोच रहा था एक सेपरेट वीडियो होगा, बट मुझे लगा दिखाना चाहिए, इतना भयानक बारिश हो रही है. देखो ये मतलब इस जगह से ये बॉर्डर काफी ऊंचाई पर है ये बॉर्डर, बट ये इस बॉर्डर के बराबर पानी आ गया और पानी अंदर जा रहा है, यहाँ से आंगन से नीचे जा रहा है. और ऐसा कुछ छत का नजारा है, यहाँ से मतलब छत का पानी यहाँ से इस जस्ट यहाँ से निकल रहा है. एकदम पूरा पाइप लगभग काफी मोटा है, इतना बड़े से और काफी बड़ा है मतलब पाइप, बट ये उससे भी जगह नहीं है कि वो निकल पाए इतने से. और ये टी शर्ट है जो मेरे रूम के ऊपर अभी पड़ा है नया नया था, वो आगे वो पुराना टी शर्ट हम लोगों ने आगे लगा दिया थोड़ा सा, तो बचिया वहाँ पे नीचे बाइक खड़ी हो जाती है. ऐसा भी सिस्टम है कि अभी B2H का अभी एंटीना से नया नया से लगाया था, अभी नया लगाया मतलब एंटीना नया लगाया, B2H पुराना. और ये देखो ये छत है मेरी कुछ ऐसी, ऐसा टूटा फूटा मेरा घर है, तो बस काम चल रहा है घर का. ये ऊपर यहाँ पे एक रूम बना हुआ था, यहाँ पे एक रूम बना हुआ था, वो रूम तोड़ के बराबर कर दिया, बिकॉज वो रूम की छत भी टपकती थी, तो वो टपकने से फिर नीचे इधर रूम में पानी भर जाता था और यहाँ से फिर नीचे गिरने लगता था. इधर पे इधर नीचे जो कमरे बने उनमें भूसा भरा जाता है हमारे यहाँ नीचे. अंदर से भी रूम टूर करवाएंगे, मतलब घर का टूर पूरा. ये इधर की घास जगह सूख गई है और ऐसा कुछ है कि मतलब ये पानी भरा हुआ है, देखो इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है. और अगर मैं बाहर की बात करूँ तो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, देखो खेत वेत ये सारे के सारे एकदम फुल हो चुके हैं. उधर उधर साइड में वो देख रहे हो, वो खेत काफ़ी गहराई पे हो, पूरा फुल हो गया है ऐसा, इतनी भयानक बारिश हो रही है. और अभी भी गर्जना सुनाई पड़ रही तुम्हें, मतलब चलो बाहर चल के दिखाते हैं. हाँ नीचे से वाला पाइप है जहाँ से ऊपर से पानी आ रहा है, बता नहीं पा रहा पूरा पूरा कुछ हालात है इधर पे. मतलब ये एम्बुलेंस पे आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया. ऐसा कुछ है मेरा घर, ये है रियली मेरा घर. बट मतलब बस अभी मैंने बाहर दिखाया, फिर कभी आगे की वीडियो तो दिखाएंगे पूरा करी. देखो इधर में पहले ईंटें नहीं पड़े हुए थे, ये एकदम कच्ची मिट्टी का ही ऐसा मैदान था, बट यहाँ पर काफ़ी फिसलन होती थी और वो क्या बोलते हैं जो काई हो जाती है ना, मतलब वो जम जाती थी घर पे, तो उसकी वजह से फिर यहाँ पे ईंटें लगा दिए गए एक्स्ट्रा. और ये है मेरे घर का मेन गेट, ये बाहर मेरी गाय बंधी हुई है, इसने अच्छे से नहाया है आज. एक्चुअली नहाने का मन नहीं करते ना, मतलब गाय प्रजाति ऐसी जिसको नहाने का मन नहीं करता. और इधर देखो, इधर देखो सब बिल्कुल पानी भरा हुआ है. मेरे घर के सामने मट्टी का खेत है, वो हाई टेंशन लाइट का जो भी सिस्टम दे दिया है. उधर पड़ती है A2Z कंपनी, लेंस पे पानी ना है. उधर A2Z कंपनी पड़ती है जिसपे वो कूड़े उड़े वाला सिस्टम होता है, फिर वो लेंस फिर से साफ करना पड़ेगा. बड़े बुरे हालात हैं. तो ये है ऐसा कुछ हमारे घर के बाहर, देख रहे हो पूरा पानी पानी हो चुका है, पूरे खेत एकदम लबालब भरे हुए हैं. अभी मैं दिखाई था इधर सामने भी दिखाऊँ ना, सब कुछ बिल्कुल पानी से भरा हुआ है. बारिश बंद हो जाएगी तो मैं बाहर निकल जाऊँगा, बाहर के हालात कैसे. उजाला भी अच्छा खासा है, हल्की हल्की धूप भी है, लेकिन क्या बेहतरीन वाली बारिश हो रही है, मतलब भयानक वाली बारिश हो रही है, कह नहीं सकता मैं. और बच्चा मज़ा आ रहा है नहाने में? हाँ आज सुबह लाइट चली गई थी इसको नहलाने के टाइम पे, तो लेकिन चलो अभी अच्छे से नहा लेगी आज, है ना. इसको नहाने का बड़ा शौक है, इसको और वो एक छोटी वाली वो पड़ी है वो उधर पली हुई है इधर, वो इसको नहाने का बहुत शौक है इन दोनों को. अब देखो ये क्या हाल है, क्या
दिन मतलब कल का दिन था जब बारिश हुई थी भयानक से, और इधर पे अभी तो खेत में बस इतना सा पानी इधर कोने में रह गया, बाकी मतलब एकदम फुल था सब कुछ, बट सब कुछ बिल्कुल ही खत्म हो गया। मतलब इतने दिनों से धरती माता इधर की प्यासी थी ना कि पूरा पानी खत्म, मतलब सभी कुछ एकदम सूख गया। और आज मेरा वो बोया BY-M1 माइक आने वाला है, तो अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया था। अगर आपको भी परचेस करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए तो जाकर वहां से परचेस कर सकते हो। और अभी सस्ता है ये काफ़ी, और अभी सस्ता है ये माइक तो जल्दी आ जाएगा, और इसका रिव्यू भी मैं करूंगा तो वो दूसरे चैनल पर होगा, जब कभी भी होगा तो आपको लिंक मिल जाएगा उसका भी डिस्क्रिप्शन में। और उस चैनल के बारे में मैं ज़्यादा लोगों को बताना नहीं चाहता हूँ, मतलब पर्सनली नहीं बताना चाहता हूँ, जिनको काम होगा वो खुद सर्च करेंगे, और मैं यही कोशिश करूंगा कि वो सर्च रिजल्ट पे आए, यूट्यूब के फर्स्ट पेज पे रैंक करे तो अच्छा होगा। क्योंकि मैं मतलब अब ना यार ऐसा लगता है कि भाई किससे बोलो कि भाई मेरा आप चैनल सब्सक्राइब करो, किससे बोलो कि प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो, नहीं तो फिर मतलब लोगों को लगता है भाई क्या यार इसका रोज का ये है कि सब्सक्राइब करने को बोलता है क्या क्या क्या। और अगर आप किसी को बोलोगे ना कि भाई सब्सक्राइब करो, तो वो सब्सक्राइब तो मान लीजिए कर लेगी, आपका एक नंबर बढ़ जाएगा सब्सक्रिप्शन वाला, लेकिन कहीं ना कहीं वो बंदा इंटरेस्टेड नहीं होगा अगर आपके कंटेंट में, तो देखेगा ही नहीं, मतलब देखेगा ही नहीं। जैसे कि ब्लॉग्स वाला मेरा चैनल 1K+ सब्सक्राइबर्स हो गए बट व्यूज़ कम आते हैं, तो ये सिस्टम होता है अगर लोग आपके उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे पर सब्सक्राइब कर लेते हैं कभी कभी। अब मान लो 1000 हैं तो 1000 में से 1000 के 1000 में थोड़ी ना सब्सक्राइब करवाए हैं लोगों से, मैक्सिमम मैंने 50 चैनल तो मतलब ये समझ लो मैंने 50 को तो लगभग बोला होगा, 50 अगर सब्सक्रिप्शन है मेरे पास तो 50 तो शायद मैंने बोल के करवाया होगा कि लिंक शेयर किया होगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब करो सपोर्ट करो मुझे। बाकी जो 950 जो सब्सक्राइबर्स होंगे मेरे इस समय तो मान लो 1150 सब्सक्रिप्शन, क्योंकि 1200 के आसपास पहुंचने वाला है, तो ये समझ लो 1100 या 1150 सब्सक्राइबर्स मेरे खुद के जेन्युइन गेन किए हुए हैं। और ब्लू वर्ल्ड वाला वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद अभी चंद्रशेखर आजाद जी वाला वीडियो वायरल हुआ है, तो बस आई एम वर्किंग ऑन दैट और भगवान की कृपा है और क्या। तो चलो अभी जब आता है ऑर्डर, मतलब हमारा जब माइक आ जाता है तो फिर मिलते हैं फिर। Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you're having a great day. Make sure to subscribe and be the part of this video for any benefit.